रेडी सुनो, अगर एक एंटिटी है पेरेंट जिसका नाम ए लिमिटेड है, अगर उसने एक दूसरी एंटिटी बी लिमिटेड का कंट्रोल अक्वायर कर लिया, और बी लिमिटेड को बोला गया कि आप सेपरेट एग्जिस्ट करेंगे, तो ए लिमिटेड की जिम्मेदारी है कि वो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएगा। बी का अलग फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेगा एक, ए का अलग फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेगा दो, एक कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेगा जो ऑब्वियसली ए बनाएगा। ए इज रिस्पॉन्सिबल टू प्रिपेयर कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हम लोग अभी पढ़ाने आपको जा रहे हैं। टू, तो इसकी कहानी में एक चीज क्लियर है कि आपको मिनिमम दो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्वेश्चन पेपर जरूर प्रोवाइड करेगा, सो दैट आप कंसोलिडेशन कर पाएंगे। नाउ कम्स टू सेकेंड पॉइंट, कंट्रोल किसको बोलते हैं। नॉर्मली कंट्रोल का बात हुआ था मेरा पिछली क्लास में जब बिजनेस कॉम्बिनेशन में स्टार्ट किया था। पहला आधा घंटा बिजनेस कॉम्बिनेशन का ही रिवीजन टाइप का होगा, जस्ट आधा घंटा भी नहीं, 15 मिनट। तो कंट्रोल आता है अगर मोर देन 50% का स्टेक, वोटिंग राइट, इक्विटी स्टेक अगर हम ले लेते हैं तो कंट्रोल हमारे पास आ जाता है। लेकिन इन डेज ने मोर देन 50% वाली वोटिंग राइट का बात को कंट्रोल से डिफाइन नहीं किया। उसने कंट्रोल को ऐसे बोला कि अपने पास पावर होना चाहिए, हाँ, ओवर द इन्वेस्टी, याद है ये वाला वर्ड। और ये पावर ऑब्वियसली वोटिंग पावर से आता है, ये ऑब्वियसली इक्विटी स्टेक से आता है। टू, वी मस्ट बी एक्सपोज्ड टू वेरिएबल रिटर्न्स, और हम लोग को अच्छे से मालूम है कि अगर हम सब्सिडरी में पैसा लगाएंगे सब्सिडरी को लॉस होगा तो हमको भी लॉस होगा, प्रॉफिट होगा तो हमको भी प्रॉफिट होगा, उसको ज्यादा प्रॉफिट हुआ तो हमको भी ज्यादा प्रॉफिट होगा, उसको कम प्रॉफिट हुआ तो हमको भी कम प्रॉफिट होगा, बिकॉज उसकी प्रॉफिट मेरे को ही तो मिलेगी ना, बिकॉज मैं तो होल्डिंग हूं ना। तो वी आर एक्सपोज्ड टू वेरिएबल रिटर्न्स। एंड थ्री, वी हैव द पावर या एबिलिटी To influence that variable return, इसको हम लोग इन्फ्लुएंस करने का ताकत रखते हैं क्योंकि हमारे पास पावर है ना इन्वेस्टी के ऊपर, हमारे पास कंट्रोल है ना, तो हम उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को चेंज कर सकते हैं, हम डिसाइड कर सकते हैं तुम इस बंदे से माल ही मत मंगाओ, इसका माल बहुत कॉस्टली आ रहा है, तुम बाजार से माल मंगाओ दूसरी जगह से, क्योंकि मेरे पास पूरा कंट्रोल है तो हम उसके वेरिएबल रिटर्न को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। हम लेम डक के जैसा बैठा हुआ नहीं है, हम कंट्रोल कर रहे हैं। तो कंट्रोल की डेफिनेशन में ये तीन बातों का होना जरूरी है, क्लियर है। अब बहुत सिंपल सी कहानी मैं बताता हूं, बिना एक पैसा के भी इक्विटी स्टेक के पिछला वाला सम में सीता ने बीटा को अक्वायर करके बिजनेस कॉम्बिनेशन अकाउंटिंग किया ना, कंसोलिडेशन अकाउंटिंग कर रहे थे कि नहीं वो लोग बताओ, एक रुपया का भी तो स्टेक नहीं था, लेकिन कंट्रोल कॉन्ट्रैक्ट से आया था ना, तो हम लोग तो सम तो बना रहे थे। तो वैसा भी सम हो सकता है, टेंशन लेने का नहीं है। अब आइए आगे का बात, जब कोई भी बिजनेस, कंट्रोल आप अक्वायर करेंगे ना, कोई भी कंट्रोल आप करिए, तो जो पहला दिन होगा ना, फर्स्ट डे, जिस दिन कंट्रोल हम खरीदे, उस दिन आपको एक्विजिशन डेट अकाउंटिंग जो हम सिखाए ना पिछला 10 दिन, वो करना ही पड़ेगा। वो जब आप कर लेंगे ना, तो आप जो कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाए ना मेरी क्लास में इतना दिन बैठ के, वो फर्स्ट डेट वाला कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट था।
फॉर एग्जाम्पल अगर हमने ए लिमिटेड को अक्वायर किया, मैंने हम ए लिमिटेड हमने बी को अक्वायर किया और हम इसका 90% स्टेक एक्वायर किए, तो याद है हम लोग क्या क्या तीन काम करते थे, कंसिडरेशन पेड निकालो, एनसीआई निकालो, नेट असेट्स का फेयर वैल्यूएशन करो, गुडविल निकालो और कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाओ। मर्ज्ड बैलेंस शीट बनाओ भी हो सकता था और कंसोलिडेटेड, अगर एनसीआई होगा तो कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट ही बनेगा। तो मान लो मेरा एनसीआई है तो हम लोग कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाते थे। तो सर हम समझ गए कंसोलिडेशन, नहीं आप बिजनेस कॉम्बिनेशन सीखे हो। और कंसोलिडेशन का पहला स्टेज बिजनेस कॉम्बिनेशन ही होता है। अनुपम मैसेज खोलो, हां भास्वती करता हूं एक मिनट ना, पहले ये वाला बात कंप्लीट कर दो। तो ये काम आप एग्जैक्टली जैसा करते थे ना, ये काम करना है पूरा। बस खाली क्या नहीं करना मालूम, खाली ये कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट नहीं बनाना फर्स्ट डे वाला, खाली ये बैलेंस शीट नहीं बनाना, ये कर लेना है कर लेना है कर लेना है कर लेना है, और वर्किंग सारा रेडी हो गया, बस खाली पहला दिन वाला बैलेंस शीट आपको नहीं बनाना। सर फिर क्या करना है, आगे क्या करेंगे? आगे आप क्या करोगे, रेडी, आगे आप क्या करोगे कि आपको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देंगे दो कंपनी का, किसका किसका, ए का और बी का, होल्डिंग का और सब्सिडरी का, आप प्रॉफिट एंड लॉस को कंसोलिडेट कर दीजिएगा लाइन बाय लाइन एडिशन करके। अभी हम करके दिखाएंगे। सर फिर क्या होगा, फिर हम लोग जो सब्सिडरी का प्रॉफिट होगा ना, उसमें से जो एनसीआई का हिस्सा होगा वो एनसीआई को दे देंगे। क्या बोला फिर से, उसमें जो एनसीआई का हिस्सा होगा वो एनसीआई को दे देंगे, मेरा जो हिस्सा होगा वो रिजर्व एंड सरप्लस में ऐड कर देंगे। सोच के देखो थोड़ा सा, अगर सब्सिडरी ने 40 करोड़ रुपया कमाया और मेरा 80% स्टेक है, माइनॉरिटी का एनसीआई का 20% स्टेक है, तो इस 40 में से 8 एनसीआई को दे देंगे और 80% हम ले लेंगे रिजर्व एंड सरप्लस में। जो एनसीआई हम यहां पे ओपनिंग डे में मेजर किए थे उसमें ये वाला 8 जाकर के ऐड हो जाएगा, और जो मेरा रिजर्व एंड सरप्लस है उसमें ये 32 जाकर के ऐड हो जाएगा, और फिर हम लोग एक साल बाद वाला कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बना लेंगे। हम लोगों को एक साल बाद वाला कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाना है, एंड दैट इज एग्जैक्टली कंसोलिडेशन। सो पहले बिजनेस कॉम्बिनेशन करेंगे, फिर पीएनएल जोड़ेंगे, फिर कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाएंगे।